बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूवर्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम टमाटर के बारे में है, टमाटर से इलाज, टमाटर के फ़ायदे और टमाटर के नुकसानात। टमाटर से आजकल कौन वाकिफ नहीं है। आजकल सालन बग़ैर टमाटर के अधूरा समझा जाता है। टमाटर एक फल है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल बतौर सब्ज़ी होता है। टमाटर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक के अलावा बेशुमार अज्जा पाए जाते हैं। टमाटर की इन्हीं खसूसियात की वजह से फ्रांस में इसे मोहब्बत का सेब भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में हुक्मा हजरात दायमी आसाबी थकावट, कब्ज़ और बड़े हुए पेट को कम करने के लिए 2 अदद टमाटर, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज काट कर, थोड़ा सा हरा पुदीना काट कर बतौर सलाद इस्तेमाल करवाते थे। आप लोग भी इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द होता हो, वो इस सलाद के साथ 1 इंच के बराबर साइज़ का अदरक का टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ता के मुसलसल इस्तेमाल से आपको वाज़ फ़र्क महसूस होगा। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक टमाटर में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी मूजी मर्ज को रोकने की सलाहियत रखते हैं। टमाटर को हमेशा कच्चा इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह नहार मुँह 1 अदद कच्चा टमाटर आपको हमेशा जवान रखेगा, जिस्म में ताकत आएगी, पेट साफ और कब्ज़ नहीं रहेगी। चंद दिनों के इस्तेमाल से आप टमाटर की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। ऐसे अफराद जो गुर्दों और मसाना की पथरी या पेशाब की तकलीफ़ में मुबतला हैं, वो टमाटर का इस्तेमाल ना करें। आँखों के गिर्द स्याह हल्के बहुत बुरे लगते हैं, उनके लिए टमाटर को 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दें और फिर टमाटर को काट कर आँखों के नीचे 10 मिनट के लिए रखें और फिर उसके बाद आँखों को पानी से धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी आँखों के नीचे जो स्याह हल्के बन जाते हैं, इंशाल्लाह वो गायब हो जाएंगे। टमाटर के अंदर फौलाद की मकदार दूध से 2 गुना ज़्यादा पाई जाती है और अंडे की सफ़ेदी से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जो लागर, कमज़ोर, खून की कमी का शिकार हों, ऐसे बच्चे जो दांत देर से निकालना शुरू करें या ना निकालें, ऐसे बच्चे जिनके दांत और हड्डियां कमज़ोर हों, ऐसे बच्चे जिनका कद छोटा रह जाता हो, ऐसे तमाम बच्चों को सुबह के वक़्त 1 अदद टमाटर धोकर खाने को ज़रूर दें। बच्चों की नशोनुमा में टमाटर अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि टमाटर के अंदर वो तमाम अज्जा पाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। टमाटर फेफड़ों को ताकत देता है, सूजन को कम करता है, कमज़ोरी और सुस्ती को दूर करता है। टमाटर के इस्तेमाल से दिल की शरियाने बंद नहीं होती, जिस्म से फालतू चर्बी का खात्मा होता है। वज़न कम करने के लिए भी आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन में आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम है, ये ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात को कम करता है। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत आम है, टमाटर मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर के ख़तरात से तहफ़ुज़ फ़राहम करता है। चेहरे की रंगत निखारने, खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए, चेहरे के दानों, दाग धब्बों, कील मुहासों के लिए 2 अदद टमाटर सुबह नहार मुँह ज़रूर खाएँ। टमाटर खा लें या फिर इसका जूस निकाल कर पी लें। टमाटर का जूस निकालने के लिए आप जूसर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से हम गाजर का जूस बनाते हैं। टमाटर बालों को गिरने से भी रोकता है, उनमें चमक पैदा करता है, सिगरेट नोशी से होने वाले नुकसानात को कम करता है। टमाटर के हवाले से मैंने पहले भी नुस्खाजात बताए हैं, मज़ीद आइंदा भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा। एक ही प्रोग्राम में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं होता, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। टमाटर इस्तेमाल करने का तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो बड़े हैं वो 2 अदद टमाटर सुबह नहार मुँह खा लें या उनका जूस निकाल कर पी लें। जो बच्चे हैं उनको आप सुबह के वक़्त 1 टमाटर दे दें या 1 टमाटर का जूस दे दें। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, नौजायदा हैं, उनको आप आधा चम्मच या 1 चम्मच इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर आप टमाटर को बतौर सलाद दोपहर के वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको टमाटर की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ बताता हूँ।
بہتر یہی ہے کہ ٹماٹر کو چھلکوں اور بیج کے بغیر استعمال کریں کیونکہ یہ پتھری کا باعث بنتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں، آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ پانی پینا ہو تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں۔ پتا، گردہ اور مثانہ کی پتھری کے لوگ ٹماٹر استعمال نہ کریں، ایسے لوگ جنہیں ٹی بی کا مرض ہے وہ بھی ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ ویورز، میرا اگلا پروگرام بھی ٹماٹر پر ہوگا۔ اگلے پروگرام میں بے اولاد جوڑوں کا ٹماٹر سے علاج، اور دوسرے نمبر پر آج کل ہمارے گھروں میں بازاروں میں ٹماٹو کیچپ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹماٹر کیچپ میں ٹماٹو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تمام کیمیکل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ٹماٹو کیچپ گھر پر بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو صحت مند رکھ سکیں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام۔